HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सांप भले जहरीला हो या ना हो, लेकिन इसका डर ही इतना ज्यादा है कि कुछ लोग तो सांप के जहर से नहीं बल्कि उसके डर के कारण ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं। कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब हाल इस औरत का भी हो रहा है, जिसके पीछे 18 साल की उम्र से ही नाग पड़े हुए हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक इस महिला को 151 बार नागों ने डस लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये खबर 100% सच्ची खबर है। दरअसल ये घटना पंजाब के चंडीगढ़ की है, जहां कला देवी नामक इस 60 वर्षीय महिला को अभी तक 151 बार सांपों ने काट लिया है। कल जब 18 साल की थी तब उन्हें पहली बार सांप ने डसा था, जिसके बाद अभी तक इनके शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं बचा जहां सांप ने इन्हें ना काटा हो। कला देवी नामक इस औरत को अभी तक इतनी बार सांप डस चुके हैं, लेकिन वे फिर भी जिंदा है। कला देवी सांप के डर से कई बार मंदिर में ही रहने लग जाती थी, लेकिन जब भी वह मंदिर से घर जाती उसी वक्त उन्हें सांप आकर डस लेते थे। कला देवी के परिवार वालों के अनुसार पहले वे कला देवी का इलाज जड़ी बूटियों से करते थे, लेकिन अब वे सांप के काटने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। जानकारी के अनुसार सांप डसने के बाद कभी कभी तो कला देवी को हफ्तों और महीनों तक होश ही नहीं आती, लेकिन फिर भी वे अंत में मौत को मात देकर उठ जाती है। कला देवी के घर वाले उन्हें सांप देवी से बचाने के लिए हर प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सांप उन्हें आकर काट ही लेता है। कला देवी ने बताया कि कभी कभी खाना बनाने के समय तो कभी नहाते समय भी उन्हें सांप काट लिया करता था। इसके अलावा जब कभी वह सोती तब भी सांप उन्हें डस लेते थे। पहले पहले तो उनके इस हाल से पूरा घर डर जाता था, लेकिन अब सबको एक आदत सी हो चुकी है, बस उन्हें कला देवी को अस्पताल ले जाना पड़ता है।